हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आइए, इस वीडियो में 10वीं कक्षा के मैथ का जो चैप्टर 3 चल रहा है, दो चरों का रैखिक समीकरण लाइन यानी इक्वेशन, तो इसमें हम प्रश्नावली 4 का यानी प्रश्नावली 3.2 का चौथे का तीसरा प्रश्न करेंगे। चौथे का तीसरा मतलब संगत संगत और संगत बनाना है। इसके पहले के लिए काफी दो वीडियो बनाए गए हैं, दूसरे और पहले के लिए, यानी पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। तो देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न ये चेक कर लेंगे कि ये रेखाएँ संगत हैं या फिर असंगत हैं। इसमें देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है, 2x + y क्या दिया है, 2x + y और -6 इक्वल दिया है 0 के। आगे दिया है क्या, 4x - 2y -4 इक्वल 0 दिया है। ठीक, ये इक्वल 0 प्राप्त हो जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं, इस प्रकार के समीकरण दिया है, इसके पहले 2 और 3 में ये बताया गया था कंपेयर करने के लिए। तो आप कंपेयर करना चाहेंगे a1x + b1y और +c1 बराबर हम क्या करेंगे, 0 से तुलना कर देंगे। और यहाँ क्या करेंगे, a2x + b2y + c2 बराबर क्या करेंगे, 0 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर क्या करें, से तुलना करने हैं। ठीक, तो तुलना करने पर तुलना कर दीजिए, तो तुलना करेंगे प्राप्त हो जाएगा a1 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2, यहाँ b1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 1, c1 बराबर प्राप्त हो जाएगा क्या, -6। और यहाँ तुलना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा a2 बराबर 4, ठीक, और b2 बराबर -2, c2 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, -4। क्लियर, इतना हमें प्राप्त हो गया। आपको करना क्या है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आप सिंपल जानते हैं, a1/a2 करेंगे, b1/b2 और c1/c2 कर दिया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए हम क्या करेंगे, a1/a2 कर देंगे, a1/a2, a1 के स्थान पर 2 दिया है, a2 के स्थान पर क्या दिया, 4। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 में प्राप्त हो गया 1/2। अगला ऐसे लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है किसके, 1/2 के। आगे देखिए c1/c2 b1/b2 के, तो हमें प्राप्त हो जाएगा b1/b2, तो b1 के स्थान पर दिया है 1 और b2 के स्थान पर क्या दिया है, -2, तो ये प्राप्त हो गया -2। क्लियर, देखिए ये डजन नॉट इक्वल है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ b1 के स्थान पर प्रश्न लिख लेते हैं, सही। ठीक, तो b1/b2 इतना प्राप्त हो गया और c1/a1/a2 इतना प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं c1/c2 निकाल कर, c1/c2 जब निकालेंगे तो c1/c2 निकाल लीजिए, तो यहाँ प्राप्त है -6, कितना प्राप्त है, c1 के स्थान पर -6 और ये प्राप्त है किसके, -4 के, किसके, -4 के। तो आपको थोड़ा सा ये भी बता दिया जाए कि जब प्रच्छेदी रेखाएं के लिए बताया गया थी क्या, a1/a2 डजन नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, तब ये रेखाएं क्या होती है, प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं। जब प्रच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं तो अभी इसके संगत समीकरण कहलाते हैं। ठीक, बस क्या होते हैं, तो इक्वेशन जो याद था हम क्या करेंगे, ये a1/a2 डज नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के। ठीक, या फिर क्लियर आप लिखना चाहते हैं तो इम्प्लाई डॉट करके इस तरीके से लिखें, a1/a2 डज नॉट इक्वल है b1/b2 के। और जब ये किसके लिए होता है, प्रच्छेदी रेखाओं के लिए, या तो हम कहेंगे यह रेखाएं प्रच्छेदी हैं, अतः यह रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक, यह रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, जब रेखाएं प्रच्छेदी हैं तो हम कर सकते हैं, अतः अर्थात संगत समीकरण है, क्या है, संगत समीकरण है। जब संगत समीकरण प्राप्त होता है तो हम कहेंगे इसके लिए क्या प्राप्त होगा, जब संगत समीकरण प्राप्त हो गया तो अब इसी में कुछ नहीं करना, आपको इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसका हम ग्राफी विधि देख लेते हैं, तो ग्राफी विधि देख लेते हैं किस तरीके से प्राप्त होगा, क्या ग्राफी विधि, ठीक, क्या होता है ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक और दो, ठीक, समीकरण इसे एक मान लीजिए, समीकरण एक और दो की सहायता से हम चलेंगे। तो समीकरण एक देख लेते हैं क्या दिया है, समीकरण एक दिया है क्या, 2x + y बराबर 6 -6, ठीक, या फिर बराबर 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 6 लिख दीजिए। और इसका हम क्या निकालेंगे, एक सारणी निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, एक सारणी, और एक सारणी इस तरीके से निकालेंगे जिसका मान हमें क्या, एक्स वाई पर निर्भर करता है। ठीक, इस तरीके से तो हम लिख देंगे एक्स और ये वाई, यहाँ प्राप्त हो गया वाई। और यदि हम एक्स बराबर क्या रखें, 0, क्या रखें, 0, तो इसमें 2y मान लीजिए, 2y जरूरी नहीं है, 2 से 3 4 आप जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यदि x बराबर इसमें 0 रख दें तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6। यदि y बराबर हम 0 रख दें तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। बस बस करिए, इतने समीकरण बोलते हैं। तो दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 4x - 2y बराबर क्या दिया है, 4। क्लियर, इसका भी हम एक सारणी बना लेते हैं, तो सारणी बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ भी हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, इसमें भी एक्स वाई का मान रखेंगे, तो मान लीजिए एक्स वाई रखा जा रहा है, ये एक्स और वाई मान लीजिए। यदि इसमें हम क्या रखें, यदि एक्स बराबर 0 रख दिया जाए, क्या रखें, यदि एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, इस 2 का पक्षांतर -2 का, तो 2 × 2 = -2 प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया,
माइनस दो प्राप्त हो गया। आगे देखिए, यदि हम वाई बराबर जीरो रख दें, क्या रखें, वाई बराबर जीरो रख दें या फिर एक्स बराबर कोई और एक मान लीजिए, चार रख दीजिए, एक्स बराबर एक रखें, एक तो एक्स बराबर जब एक रखे हैं तो चार एक चार, चार का स्थिर बराबर नुकसान था, चार में चार घट जाएगा, तो चार में चार गया जीरो प्राप्त हो गया, तो वाई बराबर क्या प्राप्त हो गया, जीरो, क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो। बस इसी दो समीकरणों यानी दो ये जो प्राप्त हैं रखिए समीकरण के बिंदु, इसी बिंदुओं की सहायता से हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिक विधि सॉल्व कर लेते हैं। तो बस करिए आगे देखते हैं, आप ये लिखना चाहते हैं वीडियो पास करके लिख लीजिए, उसके साथ हम इसका क्या करेंगे ग्राफिक विधि सॉल्व करेंगे, या फिर आप लेना चाहते हैं तो यहीं से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने यह वीडियो पूरा मतलब कि इस तथ्य को पूरा लिख लिया है, तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफिक विधि। ठीक, इसका हम ग्राफिक विधि देख लेते हैं। तो ग्राफिक विधि आप जानने के लिए आपको ये पता करना होगा कि इसे हम किस तरीके से सॉल्व किए हैं और ये क्या क्या बिंदु प्राप्त हैं, इसी बिंदु को हम क्या करना है, संख्या रेखा प्रदर्शित करना है, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति, तो वही हम क्या करेंगे, वही प्रयोग कर लेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करने के लिए हमें दो अक्षों की सहायता पड़ती है, चूँकि ये चतुर्थांश की सहायता होती करनी पड़ती है, इसमें चार चतुर्थांश पाए जाते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें देखिए क्या प्राप्त हुए, एक दो तीन चार प्राप्त हो गए, ये प्राप्त होता है एक्स डैश के, ये एक्स और ये वाई, ये प्राप्त होता है एक्स डैश और ये प्राप्त होता है वाई डैश। ठीक, तो एक्स डैश वाई डैश ये एक्स एच की ओर में प्राप्त होते हैं, धनात्मक संख्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो डाटा इस तरह पाते हैं, क्या प्राप्त होता है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच, ऊपर जाएंगे तो क्या प्राप्त, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और इस बिंदु का निर्देशांक होता है जीरो का वहाँ जीरो, इसे छोड़ दीजिए। आगे नीचे जाएंगे तो माइनस एक माइनस दो और प्राप्त हो सकता है, बस करिए तो माइनस दो तक और बड़ा कर दीजिए थोड़ा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम माइनस दो लिख सकते हैं, आगे प्राप्त हो जाएगा माइनस तीन अप टू डॉट डॉट ये वाई डैश के लिए। ठीक, तो पहला बिंदु देखते हैं जीरो का मच है, ये वाला तो जीरो का मच कहाँ है, तो जीरो की से चल लेंगे वाई एक्स एच पर, तो एक्स एच पर जीरो यही है, वाई एच पर छः, तो वाई एच पर छः कहाँ, यहाँ, तो इस बिंदु का निशान क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो का मच। क्लियर, पहला वाला बिंदु आपका हो गया। दूसरा बिंदु देखते हैं तीन का मच जीरो, तो एक्स एच पर तीन कहाँ है, यहाँ, और वाई एच पर जीरो कहाँ है, इसी पर, तो ये प्राप्त हो जाएगी क्या, तीन का जीरो। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, तो इसे मिलाने के पश्चात इस रेखा का नाम लिखेंगे, क्या रखेंगे, इस रेखा का नाम था यक्स प्लस, क्या, इस रेखा का नाम यक्स टू एक्स प्लस वाई, क्या, टू एक्स प्लस वाई बराबर एट, कितना दिया था, बराबर एट सिक्स, बराबर सिक्स। दूसरा समीकरण देखते हैं दूसरे के लिए, तो ये प्राप्त हो जाएगी जीरो का माइनस दो, तो एक्स एच पर जीरो वाई एच पर माइनस दो, तो एक्स एच पर जीरो यहीं पर है, वाई एच पर माइनस दो, तो वाई एच पर माइनस दो कहाँ है, यहाँ पर, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या रखेंगे, जीरो कामा माइनस दो, तो जीरो कामा माइनस दो प्राप्त हो गया। अगला देखते हैं एक कामा जीरो, एक कामा जीरो कहाँ है, एक्स एच पर एक यहाँ पर है, वाई एच पर जीरो कहाँ है, यहीं पर, ये प्राप्त हो जाएगा एक कामा जीरो। अब क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, ठीक, क्या करेंगे, इसे मिला देंगे और इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और इस रेखा का नाम जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा क्या, चार एक्स माइनस, क्या, चार एक्स माइनस टू आई बराबर प्लस चार। ठीक, ये रहा इसका रैखिक समीकरण। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसका जो चौथा प्रश्न है आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आपके लिए होमवर्क की एक तरीके से कहा जाए, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर सही देंगे। ठीक, बस आपको केवल ये बताना है संगत है या असंगत, तो संगत प्राप्त होगा इसका रैखिक समीकरण आप निकाल लीजिएगा इसी तरीके से, और संगत नहीं प्राप्त होता है, असंगत प्राप्त होता है, तो आपको रैखिक समीकरण यानी जो रैखिक समीकरण है उसका हमें ग्राफिक विधि नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो चौथा प्रश्न लिख लीजिए आप, आपके पास यदि बुक नहीं है तो, चूँकि बुक तो एनसीईआरटी राज्य प्रकाशन का बढ़ाया जा रहा है, तो वही आप बुक से उसी के माध्यम से आप क्या करते हैं इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथा प्रश्न दिया है क्या, टू एक्स माइनस टू आई, क्या, टू एक्स माइनस टू आई माइनस टू बराबर जीरो। ठीक, आगे का क्वेश्चन दिया है चार एक्स माइनस चार वाई माइनस पाँच, क्या दिया है, चार एक्स माइनस चार वाई माइनस पाँच बराबर जीरो, ये रहा आपका चौथा प्रश्न। ठीक, तो चौथा प्रश्न सॉल्व करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।